प्रोडक्ट के साथ काम करूँगी जी, वो है ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस की मेरे पास आई है। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पर गाड़ियों का बहुत शोर है, इसलिए अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए तो उसके लिए सॉरी। और आज मैं एक कंपनी की जो ब्लीच है उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे ये ब्लीच जो है वो कल ही कंपनी वाली दे के गई है। मैं नहीं जानती कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैं ये अपने सैलून पर खुद चेक करने लगी थी इसका रिज़ल्ट। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट चेक किया जाए, आप लोगों को भी बताया जाए। छोटी पैकेट में है, आप अपने घर में इजी इस ब्लीच को ला कर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी इसका रिज़ल्ट, इसका रिव्यू दिया जाए। तो चलते हैं आज की प्रोडक्ट के साथ काम करूँगी जी, वो है ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस की मेरे पास आई है स्किन पॉल्शन, जिसमें है जी स्किन शाइनर है, ये प्रोटर, ये सूथिंग है, ये मास्क है, ये इसकी ब्लीच है, ये क्लिनजिंग मिल्क है, ये सूथिंग है, और ये ब्लीच और ये टॉनर। तो ये बेसिकली तो फेस के लिए है, लेकिन मैं आज इसकी जो ब्लीच है वो अपने हाथ और पाँव पे लगाऊंगी और इसका रिज़ल्ट चेक करूंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये कल ही मुझे कंपनी वाली दे के गई है और साथ में वो मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट बता के गई है जी कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो चेक करते हैं, अभी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। घर में जो लेडीज़ हैं वो ये छोटी पैकिंग है, ईजी ले सकती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँ। तो मेरे भी हाथ का जो रंग है वो कुछ इस तरह से है। तो अभी लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी और चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें जी, शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और शदीद किस्म की तेज़ धूप है। अभी तकरीबन 11 का टाइम हुआ है और धूप यहाँ तक पहुँच गई है और बिल्कुल अभी आधे घंटे में ये जो धूप है ना ये हमारे बिल्कुल पार्लर के अंदर होगी। तो चेक करें जी की रोड पर शदीद गर्मी और तो चलें मैं आपको जो काम चेक करवाने लगी थी वो अपना काम चेक करवाती हूँ और फिर मिलती हूँ। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। इसके साथ काम मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि इसका कैसा रिज़ल्ट होगा। जैसा भी रिज़ल्ट होगा वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ और मिक्स करने का तरीका भी आपको बताती हूँ, मेरी वीडियो के साथ साथ रहिएगा। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की स्किन पॉलिश बनाने का तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जी हमने किस चीज़ को यूज़ करना है। ये है जी ब्लीच पाउडर है, इसको हमने सबसे पहले एक कोली में निकाल लेना है। 1 टेबल स्पून आपने लेना है, मैं इसको 1 से 2 टेबल स्पून लूँगी क्योंकि मैंने इसको पाँव पर अप्लाई करना है। तो मैं 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें निकाल लेती हूँ। और इसके बाद हमने 20 वॉल्यूम जिसे कहते हैं, वॉल्यूम भी कहते हैं और डेवलपर भी कहते हैं, इसको हमने लेना है जी 2 टेबलस्पून ही कर लें आप, 2 टेबलस्पून तक इसका वॉल्यूम लेना है। और अब देखें जी इसमें जो तीसरी चीज़ ऐड करनी है वो है सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन हमारी स्किन को, अगर स्किन पे कोई रैश हो जाए या फिर आपकी स्किन रेड हो जाए तो सूथिंग लोशन उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जी ये सूथिंग लोशन जो है वो बहुत थोड़ा सा लेना है, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप कर ले आपने सूथिंग लोशन के लेने हैं। और जी अब 4 नंबर पे जो क्रीम इसमें डालनी है वो है स्किन शाइनर। स्किन शाइनर तो आप जानते हैं फेशियल में हर क्रीम में भी हम ऐड करते हैं, हर क्रीम में यूज़ करते हैं। और अब जी इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसको मिक्स करते रहना है। और अभी आप देख सकते हैं कि ब्लीच जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको यहाँ बाजू पर थोड़ी सी अप्लाई करूँगी और ताकि आपको मैं इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से दिखा सकूँ। और इसको 5 मिनट के लिए लगा कर छोड़ दूँगी, 5 से 7 मिनट तक इसको लगा कर छोड़ दूँगी। तो अभी व्यूअर्स मैं इसको पाँव पर अप्लाई कर लेती हूँ। पाँव पे भी आपने 5 से 7 मिनट 7 से 10 मिनट तक भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको इचिंग नहीं होती तो आप इसको 10 मिनट तक लगा सकते हैं, वैसे अगर आपको ये लगती है तो आप इसको 5 से 7 मिनट तक ही लगाएं।
तो इसको पूरे पाँव पर लगा लेती हूँ और फिर आपके साथ इसका रिज़ल्ट जो है वो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक पाँव पे ब्लीच लगा ली है और एक पे मैंने छोड़ दिया है। आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए इसको 5 मिनट तक छोड़ते हैं और 5 मिनट के बाद मैं आपसे आके फिर मिलती हूँ, ताकि ये इसका रिज़ल्ट जब आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे इस कंपनी की रिज़ल्ट का खुद नहीं पता कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। मैंने खुद चेक करना था और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी साथ में चेक करवाऊँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, ताकि आपको भी इससे कुछ फ़ायदा मिले। तो जैसे ही इसका रिज़ल्ट मुझे जैसे ही मैं साफ़ करती हूँ तो मैं आप लोगों को, गाड़ियों का बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, इसके लिए आप इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरा पार्लर है जीटी रोड पर और जीटी रोड पर तो आपको पता है कि गाड़ियों का हर टाइम शोर रहता है। तो मुझे इसको लगाए हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैं 1 मिनट और इसका इंतज़ार करूँगी और फिर इसको रिमूव करते वक्त आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो पर मेरा 500 सब्सक्राइबर तो बनता है, जल्दी से जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो इसको रिमूव करते हैं और फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखा। तो अभी जी ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है ब्लीच और सूखने लग पड़ी है, देख सकते हैं आप। मैं फिंगर की मदद से आपको चेक करवा रही हूँ जी, देखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। मैंने ब्लीच को साफ कर दिया है, मैं अभी आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ और पहले चेक कर ले, फिर मैं आपके साथ इसकी बात शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट, जो कि इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है। इसको मैं 100 में से जो है वो 50 पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि ये ब्लीच मुझे फार्मेसी क्यूने की ब्लीच से बहुत कम लगी है। उनका रिज़ल्ट ऑसम है, वो ब्लीचें बेस्ट पर हैं, लेकिन ये ब्लीच का जितनी मुझे उसने तारीफ की थी कंपनी वाली ने, ये इतना इस ब्लीच का रिज़ल्ट नहीं है। और जी ठीक है, आम नॉर्मल जो ब्लीच होती हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसके लिए उतना ही, उससे तकरीबन अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन कह लें कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। फिर भी हो सकता है कि कुछ देर के बाद इसका रिज़ल्ट आए, क्योंकि बहुत सारी ब्लीचें होती हैं जिसका रिज़ल्ट कुछ देर के बाद आता है। तो बहरहाल मैंने अपना रिव्यू आपको देना था, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मैंने साथ में आपको बताना था। तो जी इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।